पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए, पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, पहले से लगा लीजिए, आप जमजम से फिर अपना मुंह धोइए और नामे शहे अंबिया लीजिए, इतना कह दीजिए आज कासिर जरा आपकी नात गोही का मकसद है क्या, गर नबी की गुलामी की है आरज़ू तो गुलामे नबी से दुआ लीजिए। कुरान के हवाले से आखिरी पैगाम आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूँ, इसके बाद बच्चे और जवान तक पहुंचूंगा, मेरे हिस्से का 10 मिनट में जलसा मुकम्मल हो रहा, सुनने के लिए तैयार है, दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। सऊदी अरब में कब्रिस्तान है, उसमें हर 6 महीने पर कब्र को खोला जाता है। जमीन इतनी कम है वहां पर, आपके यहां 52 बीघा का कब्रिस्तान है, मैं पहली मर्तबा देखा, अल्लाह मैं तो घबरा गया, पता नहीं मरने वाले ज्यादा है पैदा होने वाले कम, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है माशाल्लाह, लेकिन वहां जन्नतुल बकी में छोटा कब्रिस्तान, मरने वाले लोग ज्यादा, तो हर 6 महीने पर कब्र को खोला जाता है, देखा जाता है, तो जनाजा भी खत्म, कफन भी खत्म, मुर्दा भी खत्म, नया मुर्दा उसमें दाखिल किया जाता है, लेकिन उसी जन्नतुल बकी में एक कब्र है, उसको हर 6 महीने पर खोला गया, कफन भी महफूज, मुर्दा भी महफूज। सऊदी गवर्नमेंट परेशान के भाई ये किसकी कब्र है, पता चल गया कि उसका बेटा जिंदा, बेटे को बुलाया, का बात क्या है भाई, ये कब्र है हर 6 महीने पर खुलती है लेकिन कफन के साथ मुर्दा महफूज है, मुर्दे के साथ कफन महफूज है, क्या मामला है? का ये मेरे वादी है, आलिम थे मौलाना बदर आलम मेरठी, तर्जमान सुन्नत के मुसन्निफ, ये आलिम थे हाफिज नहीं थे, लेकिन जब कोई सामने हाफिज बैठा होता था ये पैर नहीं फैलाते थे हाफिज के एहतराम में, आज उसी का नतीजा है कि ये कब्र में चले गए, लाश के साथ कफन भी महफूज है। दूसरा नमूना आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूं, नबी पैदल चल रहे हैं, सहाबी सवार है, सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह आका पैदल चले गुलाम सवार हो बड़ी बेअदबी है, कहा बेअदबी नहीं है, मैं तुम्हारे अदब में इसलिए पैदल चल रहा हूं कि तुम हाफिज़े कुरान हो। आखिरी बात आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, एक आदमी ने शादी की, 1 साल हुआ कोई बच्चा नहीं, 2 साल हुआ कोई बच्चा नहीं, लोगों ने कहा यार तू कैसा जवान है, कोई कैलेंडर छप ही नहीं रहा, अब ये बेचारा मुंह पर हाथ रख करके समाज से गुजर रहा है, जब रात का सन्नाटा हुआ तो अल्लाह से दुआ करता मेरे परवरदिगार कब तक मुंह छुपा करके चलूंगा, बेटा ना सही एक बेटी ही दे दो, मैं वादा करता हूँ जब बेटी की शादी होगी मैं दुनिया की हर दौलत से उसको मालामाल कर दूंगा। जोश में आकर के बोल तो दिया, बेटी मिल गई, कबूलियत की घड़ी थी, अब जवान हो गई बेटी, शादी का मौका है, पैसा ही नहीं, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, फंस गया, दौड़ा दौड़ा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, दुआ कीजिए अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, दौड़ा दौड़ा आया, कहा हुजूर मैंने वादा कर लिया अल्लाह से कि अपनी बेटी को दुनिया की हर दौलत से मालामाल करूंगा, लेकिन मेरे पास तो कोई दौलत ही नहीं है, अरे बेवकूफ हो, सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है, का हुजूर कौन सी दौलत, न सोना है न चांदी है न रुपया पैसा है कुछ भी नहीं है, का नहीं सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है, बेटी को कुरान सिखा दो, जब बेटी की शादी हो जाए तो उसको कुरान के साथ रुखसत कर दो, दुनिया में कुरान से बढ़कर के कोई दौलत ही नहीं है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे बाद में इंजीनियर प्रोफेसर बनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह, कौम का बच्चा मदरसे में अपना बच्चा स्कूल में हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर इस सहीफे की सहीफों में निराली शान है, इसके हर हर लफ्ज में इरफान ही इरफान
इरफान है, बुझ नहीं सकता किसी से। सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से। सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से। सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से। सुन लो कुरान का चराग, आंधियों तुम आजमा लो, सामने मैदान है। आंधियों तुम आजमा लो, सामने मैदान है। आखिरी पैगाम बहुत खूबसूरत, बड़े अच्छे माहौल में ये जलसा आप लोग सुन रहे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। कुरान से मजबूत रिश्ता हम सबको अल्लाह नसीब फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, फिक्र आखिरत के हवाले से दो तीन मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। गुरु नानक को पता चला कि एक आदमी बड़ा दुनियादार है, दुनिया की दौलत पर कुंडली मार करके बैठा हुआ, एक पैसा खर्च नहीं कर रहा। उसको तालीम देने का कितना बेहतरीन तरीके से तालीम दिया है, एक सुई हाथ में पकड़ा दिया, ये मेरी तरफ से रखो और मरने के बाद हम तुमसे ये सुई उसी तरह अमानत में लेंगे। वो सर पकड़ करके बैठ गया कि कफन में जेब तो होती नहीं, मेरा तो सारा कपड़ा झाड़ लिया जाएगा, ये सुई मरने के बाद मैं वहां कैसे ले जाऊंगा। तो गुरु नानक ने कहा कि जब तुम सुई नहीं ले जा सकते हो, ये कुंडली मार करके जो दौलत पर बैठ गए हो, इसको कैसे ले जाऊंगा। अब उसको समझ में आ गया। एक आदमी था निचूम नाम का, रूस का आदमी था, दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार था, उसके पास सबसे ज्यादा जमीन दुनिया की थी। वो जमीन कैसे खरीदता था, ये नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। एक जगह गया, 1,000 रुपया लेकर के वो गया। वो बोला कि मुझे जमीन लेनी है। कहा दे देंगे, तुम अपनी टोपी उतारो और इस सूरज तुलू होता है यहां से चलना शुरू करो। सूरज डूबने से पहले अगर तुम उस जगह पर आ गए जहां निशान है, तो 1,000 में इतनी सारी जमीन तुमको मिल जाएगी। लेकिन गौर से सुनो, अगर सूरज तुलू होने के बाद टोपी का निशान लेकर के तुमने चलना शुरू किया, सूरज डूबने से पहले अगर तुम उस जगह पर नहीं आ सके, तो पैसा भी वापिस नहीं होगा, जमीन भी नहीं मिलेगी। उसने टोपी उतार करके सूरज के तुलू होने के बाद चलना शुरू किया। लालच में आगे बढ़ता ही चला गया, लालच में आगे बढ़ता ही चला गया। उसको ध्यान ही नहीं रहा कि सूरज ढल रहा है, सूरज गुरूब होने के करीब आ गया। उसको किसी ने आवाज दी, वो सुना तो देखा कि सूरज झुल रहा है, गुरूब हो रहा है। उसने वहां से भागना शुरू किया, भागना शुरू किया, भागता रहा। अभी 2 हाथ दूर ही था कि सूरज डूब गया। इतना थक चुका था उसकी जिंदगी का, सूरज गुरूब हो गया। जो दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार बनना चाहता था, उसको भी मरने के बाद 2 गज जमीन ही मिली, इससे ज्यादा। एक तीसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने किसी को 50 रुपए दिया, किसी को 100 रुपए दिया, किसी को 1 रुपए दिया। जिसको 1 रुपए दिया वो अली थी रजी अल्लाह अन्हु। बात आई चली गई। उसके बाद ठीक जब सूरज आसमान पर आया और जमीन इस तरह खौलने लगी जैसे चूल्हा खौलता है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा, वो लोग जिनको मैंने पैसा दिया, लाइन से लग जाओ, पैर से चप्पल उतार करके गरम जमीन पर खड़े हो जाओ और हिसाब दो कि ये पैसा जो मैंने तुमसे तुमको दिया कहां कहां खर्च हुआ। अब जमीन इतनी गरम है कि नंगे पैर जैसे ही पैर रखा, आंवला निकल गया, फोड़ा निकल गया, पैर जल रहा है, हिसाब याद नहीं आ रहा, पैर जल रहा, हिसाब याद नहीं आ रहा, सब फेल हो गए। हजरत अली से कहा कि तुम भी लाइन से लगो, उस गरम जमीन पर खड़े हो जाओ नंगे पैर, और 1 रुपया जो मैंने दिया हिसाब दो। झटाचट 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 बता दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ओ दुनियादारो, रुपया को कुंडली मार करके जमा करने वालों, खर्च ना करने वालों, जितना ज्यादा पैसा होगा हिसाब उतना मुश्किल होगा, जितना कम पैसा होगा हिसाब उतना आसान। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक आदमी अपने नौकर से कहा कि तू कितना बड़ा नालायक है, एक काम को 3 बार में करता है। देखो फलां साहब का नौकर है, एक काम 3 काम को एक ही मर्तबा मुकम्मल कर देता है, ठीक है, आइंदा से ध्यान रहे। मालिक को बुखार हुआ, उसने कहा डॉक्टर को बुला करके ला, तो 4 आदमी को उठा करके ला रहा है।
बोला कि ये कौन है? कहा ये डॉक्टर साहब है, तुम्हारा इलाज करने के लिए आया। कहा वो कौन है? कहा वो दर्जी है, तुम्हारा कफन बनाने के लिए आया। क्या पता डॉक्टर फेल हो जाए। कहा कि वो तीसरा आदमी कौन है? कहा कि वो मुर्दे को गुसल देने वाला है। कहा कि वो चौथा आदमी कौन है? कहा वो गौरकन है, कब्र खोदने वाला। करे इतने सारे लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है? कहा कि क्या पता ये डॉक्टर फेल हो जाए और आपका आपकी किस्मत खराब हो जाए, जमीन पर रहने के बजाय आप आसमान पर उड़ जाए। क्या तुम कितने बड़े नालायक को जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज रहे हो? है दुनिया जिसका नाम मियां, ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को ये महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। या हर दम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है, गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। जो और का ऊंचा बोल करे तो उसका बोल भी बाला है, जो दे पटके तो उसको भी कोई पत्थर पटकने वाला है। बेजुल्म खता जिस जालिम ने मजलूम ज़बा कर डाला है, उस जालिम के भी लहू का फिर बहता नदी नाला है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। आखिरी पैगाम जवानों के हवाले से सुना रहा हूँ, बड़े अच्छे माहौल में आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपको जजाए खैर दे, 3 मिनट में पैगाम निकल रहा है। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मैं मसनदे रसूल पर बैठा हुआ हूँ, मैं मसनदे रसूल पर बैठा हुआ हूँ और आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की होगी, ये गारंटी है। आप तजर्बा करके देख लीजिए। लेकिन काम सिर्फ एक ही है, आपको शराब छोड़नी पड़ेगी। 1 साल छोड़ करके दिखाइए, 10 साल के बराबर तरक्की होगी। मसनदे रसूल पर बैठ करके मैं कह रहा हूँ और मैं जमानत लेता हूँ कि आप ठोकर नहीं खाएंगे, सुरखुरू हो जाएंगे। आप किसान आदमी हैं, देहात में रहते हैं, आपकी पीठ पर मशीन होती है, उस मशीन से आप स्प्रे करते हैं, उसमें पानी भी होता है और दवाई भी होती है। आप तजर्बा कीजिए, 1000 बूंद पानी की उस मशीन में डालिए और 1 बूंद सिर्फ शराब की डालिए और फूल पर स्प्रे कीजिए, 10 दिन के बाद फूल मुरझा जाएगा। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अंदर के फूल का क्या हाल होगा? अकलमंद है, इशारा काफी। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में दे रहा हूं। आपके घर में कच्चा अंडा है, हाथ में लीजिए उसको, तोड़िए और शराब के गिलास में उसको डालिए। थोड़ी देर में वो अंडा इस तरह टाइट हो जाएगा जैसे उबला हुआ अंडा टाइट होता है। तो जो गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी, अतड़ी का क्या हाल करेगी? आप ठोकर नहीं खाएंगे, आपके लिए इशारा काफी है। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में दे रहा हूं। गोश्त का 1 टुकड़ा पानी की बोतल में डालिए, दूसरा टुकड़ा शराब गोश्त का शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए जिस टुकड़े को आपने पानी की बोतल में डाला है वो असली हालत में रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। लेकिन जिस गोश्त के टुकड़े को आपने शराब की बोतल में डाला वो चर्बी की तरह पीला हो जाएगा, उसमें गुबार छूटेगा। जब हलक के नीचे गिलास की गिलास शराब आती है तो अतड़ी का ठीक यही हाल हो जाता है। तारीख पर आपकी नजर है, 1 लाइन में आपको नमूना देने के लिए जा रहा हूं। हिटलर का आपने नाम सुना, तने तनहा उसने 5 साल पूरी दुनिया से मुकाबला किया। जानते हैं क्यों? शराब पीने की बात तो दूर की है, सिगरेट भी नहीं पीता था।
दूसरा नमूना आपकी खिदमत में है, जिस बादशाह ने पूरी दुनिया पर हुकूमत किया, सूरज जहां गुरूब होता है वहां भी वो पहुंचा, जहां सूरज तुलू होता है वहां भी वो पहुंचा। जानते हैं उस बादशाह की मौत किस उम्र में हुई? 33 साल की उम्र में वो बादशाह मर गया। उसका नाम सिकंदर था। क्यों मर गया? शराब पीने की वजह से। अगर शराब नहीं छोड़ेंगे जवानी में मौत आएगी, शराब नहीं छोड़ेंगे मैदान हार जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। रशीद नाम का चपरासी है, उससे डायरेक्टर ने कहा कि तू चपरासी का चपरासी रहा क्यों? शराब पीने की वजह से। अगर तू शराब छोड़ देता तो कंपनी का डायरेक्टर रहता। वो क्या कहता? हुजूर मुझे क्या फर्क पड़ता, जब तक मैं शराब नहीं पीता हूँ चपरासी हूँ। जैसे ही मैं शराब पीता हूँ और नशा मेरे सर पर आता है तो मैं अपने को चपरासी नहीं समझता हूँ, बल्कि मुल्क का वजीर आजम समझता हूँ। जो अक्ल खरी थी की है खोटी इसने, अच्छे अच्छों से छीनी है रोटी इसने, अच्छे अच्छों से छीनी है रोटी इसने। मस्तों पे शराफा का है मस्ती पतलून को कर दिया लंगोटी इसने, पतलून को कर दिया गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में छुपी है आग पानी में। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो गया, आपसे वादा लेना चाहता हूँ जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। तीन काम छोड़ दीजिए, कबूलियत की घड़ी है और अल्लाह आपकी तौबा को कबूल फरमाएगा। तीन काम छोड़ दीजिए, आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। मुसीबत आती है गुनाह की वजह से, मुसीबत आती है हराम कमाने की वजह से, मुसीबत आती है गलत माहौल की वजह से। आप तीनों से तौबा कर लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। इंशाल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, ठेके के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हमदुलिल्लाह।